नीचे रोड से हम ऊपर आ गए। लाजार जो है एक्चुअली असल में एक यहाँ पे गांव है। 20-20 रुपए 500 के लिए, ठीक है। हेलमेट घोड़ों वाले के पास, घोड़ा जमील के पास। जमील भाई कैसा लगा लाल हजार? बहुत अच्छा। तो आज जी हम जाएंगे पटकुंडी से बड़वाई और बड़वाई से जलकाट और इस तरह जलकाट से होते हुए गीती दास और गीती दास से होते हुए बाबूसर टॉप जाएंगे। बाबूसर टॉप जो है एक्चुअली 13,700 फीट की बुलंदी पे है जो कि बहुत खूबसूरत और बहुत ही हाइट पे है। और नीचे आप लोगों को जो ये एक ग्रीन सा सर्कल नज़र आ रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो मैंने सर्कल लगाई ये है जी लोलसार झील जो कि बहुत खूबसूरत है और रास्ते में मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। तो चले मेरे साथ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नीचे आ गए। ओए होए होए कितना मज़ा आ रहा है। हाँ यार ये देखो कारपेट रोड का मज़ा आ गया भाई, बहुत ही मज़ेदार ट्रैक था। वहाँ से निकलोगे ना तो पहले आप लोगों को ये पटकुंडी नज़र आएगा। ये नज़ारा देख ले भाई, बाबूसर टॉप यहाँ से तकरीबन 49 किलोमीटर है। या अल्लाह आज का दिन भी हेर हेरिया से गुजारना जैसे कि कल और परसों अपने गुजारे थे। आज भी हम आपसे ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह आज का दिन भी हेर हेरिया से गुजार देना, हर किस्म की मुश्किलात, तकलीफात, एक्सीडेंट्स और बाइक की इशू खराबियात और हमारे खुद भी जो तबीयत खराब ना हो जाए और ये टूर या अल्लाह हमारा कामयाब रखना। इतनी ज़्यादा ठंडा पानी थी। हिस्सा हिस्सा इंशाल्लाह हम पहुँचने वाले हैं बड़वाई, बड़वाई से फिर आगे आएगा जलकट। वेलकम टू बड़वाई। यहाँ पे जो होटल रेस्टोरेंट सब कुछ अवेलेबल है, आप लोग इजीली यहाँ आ सकते हैं। और अगर पटकुंडी में ना हुआ तो बड़वाई में स्टे कर ले, बड़वाई ना हुआ तो जलकाट में स्टे कर ले। क्या खूबसूरती है भाई इस इलाके का। और हमने अभी तकरीबन बड़वाई को क्रॉस किया है और अभी तकरीबन हम शायद जलकाट के रास्ते पे हैं। बाबूसर टॉप जो है 32 किलोमीटर रह गया भाई। ये जो होते हैं स्लाइडिंग एरियाज, यहाँ पे स्लाइडिंग होती है अक्सर और इस वजह से जो रोड कंडीशन होती है ख़राब होती है और फिर रोड को तोड़ फोड़ करना अपने साथ बहा ले जाता है। फाइनली पहुँच गए जलकट। प्याला झील पटकुंडी में हमने रात गुजारी और सुबह वहाँ पटकुंडी के जो सामने एक पहाड़ है उसमें एक छोटा सा गांव है जिसका नाम लालाजार है, उसको देखा।
लालाजार जो है एक बहुत बेहतरीन खूबसूरत और टूरिस्ट पॉइंट है। हमने उसको एक्सप्लोर किया, बहुत ही अच्छी जगह थी। और इस तरह हम बटाकुंडी से आगे की तरफ निकले, फिर सामने आया बड़वाई आया, और बड़वाई से फिर हमने जलकाट को क्रॉस किया। और अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप स्टे लिया है प्याला झील में, जो कि ये आप देख सकते हैं, ये है जी प्याला झील। और सामने आप व्यू भी चेक कर ले, और अगर इस तरफ से मैं आप लोगों को दिखाऊं तो सामने ये मेरा भाई जमील एंड मेरा बाइक, इस तरह का व्यू है भाई, देख ले। झील की तारीख बहुत ही दिलचस्प है दोस्तों। मुकामी लोग कहते हैं कि ये यहाँ पे शूटिंग का सितारा गिर गई थी और ये झील वजूद में आई। अब मुझे पता नहीं कि ये शूटिंग का सितारा किस तरह होता है और किस तरह आई, बस ये तो मुकामी लोग से मैंने कंफर्म किया। ये झील ज़िला मानसेहरा में वाक़िया है। मानसेहरा खैबर पख्तूनख्वा का एक बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। गैर तरक्की याफ्ता झील ये नारान से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले पर वाकिया है। ये बेसिकली जलकट में वाकिया है और एक पहाड़ की चोटी पर एक प्याली की शक्ल का एक झील है। ये एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट पॉइंट है, इस जगह को बिल्कुल भी मिस ना करना दोस्तों। तकरीबन मैंने यहाँ पे खुद 10-15 मिनट गुजारे थे, बहुत ही पुरसकून जगह थी। इससे आगे इंशाल्लाह फिर लुलसार झील आएगा, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। और इस तरह फिर आहिस्ता आहिस्ता हम बबूसा टॉप के की तरफ जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों को लुलसार झील और बबूसा टॉप का विज़िट भी करवा दूंगा। बबूसा टॉप की रेडियस 21 किलोमीटर छलास 7762 एंड 179 जी गिलगित। हमने इंशाल्लाह जाना है गिलगित वाली साइड पे, तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो जाए हम सफ़र कर ले। और अभी हमने जलकोट को क्रॉस किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बेसिन में एंट्री हुई। लुसार झील रह गया भाई 3 किलोमीटर और बाबूसार रह गया 17 किलोमीटर। लुसार को देखेंगे कि मज़ा आएगा यार। वेलकम टू लुलसार लेक। लुलसार झील का बहुत सुना था और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से मैंने देख भी लिया। ये झील वाकई में काफ़ी खूबसूरत है और बड़ा झील भी है। तो दोस्तों, लुलसार की तारीख कुछ यूँ है कि लुलसार झील इस मुकाम की निशानदेही करता है जहाँ 1857 के जंग आज़ादी के 55 शुरका को गिरफ्तार किया गया था। ये झील आसपास के झीलों से बहुत बड़ी है और बर्फपोश पहाड़ों से घिरी हुई है, जिसकी वजह से ये कुदरती सियाहों की तवज्जो का मरकज है। लुलसार झील की गहराई 3410 मीटर और 11190 फुट है। नरान से 48 किलोमीटर दूर नरान बबूसर रोड पर डीडीदास के करीब उस पगडंडी पर सबसे खूबसूरत कैंपिंग स्पॉट बबूसर टॉप पर हर चढ़ाई से पहले और ऊंची चोटियों से गिरी हुई है। लुलसार झील से पानी दोहरी और फ्लो के साथ दरिया कुनहार में बहता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। फाइनली जी हम पहुंच गए लुलसार लेक। ये तकरीबन जलकट से आगे बेसल आएगा, बेसल फिर इस तरह लुलसार झील आएगा। तो हम दो राइडर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा राइड किया अभी तक। और ये है जी मेरा बाइक, यहाँ पे बाइक खड़ी है। लोकेशन चेक कर ले भाई। लुलसार झील की एक बेहतरीन खूबसूरत व्यू पॉइंट है टूरिस्ट के लिए, जिसने भी नहीं देखा हो तो जल्दी करे और देख ले, क्योंकि बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होगी। और बबूसर टॉप यहाँ से तकरीबन 16 किलोमीटर है, और इस तरह जो सीज़न ऑफ हो जाता है ना, फिर यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा होती है और फिर इसका मज़ा नहीं आएगा। गेटी 10, अच्छा गेटी 10 पहुँच गए।
तो इट मीन्स के बाबूसार टॉप पहुंच गए। लेकिन अगर आप लोग ने नोट किया होगा कि नारान, बटाकुंडी, जलकाट, उसके पहाड़ और ये गेटी दास के पहाड़ों में कितना फ़र्क है। वो बिल्कुल सरसब्ज़ और शादाब, इतने खूबसूरत पहाड़, कितने खूबसूरत व्यूज़ वहाँ की है। और फिर यहाँ तक इसमें सारे के सारे यहाँ पे पत्थर पड़े हुए भाई। ऊपर बाबूसार टॉप है और नीचे ये जगह देख ले, पिक्चर के लिए बनाया गया है जो है ना, बहुत खूबसूरत आ रही है। अभी हमने निकालना है पिक्चर, तो आप लोग हमें डिस्टर्ब ना करें, पिक्चर निकालेंगे और फिर इंशाल्लाह बाबूसार टॉप की तरफ निकलेंगे। वेलकम टू डिस्ट्रिक्ट दी अमीर एंड अल्सो बाबूसार टॉप, 13,700 फीट बुलंदी के पर भाई ये चले भाई मीटअप हो गई एक ऐसे बाइक से जो अभी फ्रेश है, लेकिन इंशाल्लाह हिस्सा हिस्सा बन जाएगा हमारी तरह, प्रॉपर किट भी लेगा देखे ना। अच्छा ये अदनान भाई है और ये जो हो गया असद भाई, असद भाई जो है वो लाहौर से और अदनान भाई रावलपिंडी से, तो उसका बाइक मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये उस 25 पर आए विदाउट नो गियर्स एंड नो सेफ्टी, लेकिन मैं उसको बता दिया है, इंशाल्लाह वो फिर प्रॉपर देगा, ठीक है।